हमीरपुर पुलिस ने आज एक असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 7 तमंचे सहित एक अधबनी बंदूक, जिंदा कारतूस और असलहा बनाने का साजो सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हमीरपुर पुलिस ने आज जिस असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, बहराट कोतवाली इलाके में संचालित हो रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल रही थी। तभी पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने इस फैक्ट्री को पकड़ने की जिम्मेदारी स्वाट टीम को दी थी, जिसने आज इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। राठ थाना पुलिस और स्वाट टीम ने आज जब गोहानी गांव के जंगलों में दबिश दी, तो पुलिस के हत्थे 3 आरोपी चढ़े हैं, जिनके पास से ढेरों बने अधबने असलहे सहित असलहा बनाने का साजो सामान मिला है। पकड़े गए आरोपी ब्रजभान, बबलू और मंगल पहले भी जेल जा चुके हैं, जबकि ब्रजभान तीसरी बार शस्त्र फैक्ट्री चलाता पकड़ा गया है। जनपद हमीरपुर के राठ थाना अंतर्गत सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि एक ग्रुप है जो अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। इस सूचना पर स्वाट टीम को लगाया गया था, जो राठ थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रिजभान उर्फ अन्ना, दूसरा बबलू उर्फ लाला बाबू, तीसरा मंगल विश्वकर्मा। इसमें ब्रिजभान पूर्व में भी 2 बार शस्त्र फैक्ट्री में ये जेल जा चुका है, बाकी भी पूर्व में जेल में जा चुके हैं। इनके कब्जे से 7 तमंचे और एक अधबने में 12 बोर की बंदूक, शस्त्र फैक्ट्री के बहुत सारे उपकरण, भट्टी, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। अभी इस पे हम और वर्क कर रहे हैं कि इनके द्वारा कहां कहां इसकी सप्लाई की गई है। इस संपूर्ण टीम के इस कामयाबी के लिए इसको 10,000 रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।